बीस हमारे इक्कीस तारीख को ही रहे जब मोर घर जाए रहा है से अभी बाबा माने बीमार होते रहे फिर मुख भी देखे जा रहे बाबा तो बीमार होते रहे फिर उमन खाए पी के आओत रहा है से कहीं घटना होल मैं तो नहीं सुन रहो मैं तो सुबह सुन लो सुबह मुझे बताना है कि मोर भाई ना खाए राधा रानी चाय बागान ब्लॉक कालचीनी जिला अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल राज्य में दो नवयुवकों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों से हाट बाजार उच्च शिक्षा केंद्र एवं अस्पतालों का जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, मगर अफसोस की बात कालचीनी पोस्ट ऑफिस से राधा रानी चाय बागान के बीच बन रही रोड निर्माण कार्य में सुरक्षा व्यवस्था ठीक ना होने के कारण घटना स्थल में ही दो नवयुवकों की मौत हो जाती है। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन मामला की जांच में जुट चुकी है। रास्ता कर बीचे रहेगा? हाँ, रास्ता कर बीचे रहे, मेन रोड रहे में रहे। क्या बनत रहे रास्ता कर? रास्ता कर बीच में पुल बनत रहे का होत रहा है। सुबह सुबह में जब देख गेलो देख लो भी वहाँ कुछ भी छेकल नहीं रहे, कोनो किस्म का कुछ भी देवाल भी नहीं रहे। से कालचीनी पोस्ट ऑफिस से राय मटन चाय बागान तक बनने वाला रोड में आधी जगह में आते जाते हैं। इसी रास्ता में राधा रानी चाय बागान की दो नवयुवकों की मृत्यु की घटना 21 दिसंबर 2017 को घटी। हम लोगों ने अपना नवयुवक खोया जो गलत तरीका से जो जिला परिषद द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसका जो एजेंसी है अभी तक उसका कोई माने दायित्व नहीं है। बिना गाइड का बिना डिसिप्लिन का माने दादागिरी सिस्टम से बिना माने मर्यादा पूर्वक काम कर रहा है, जिसका चलते से आज वहां पर इतना बड़ा घटना घटा। रोड निर्माण के साथ साथ पक्का कलवट भी बनाए जाते हैं, मगर इस निर्माण अधीन कलवट में बाउंड्री फेंसिंग है ही नहीं, ना ही रेडियंट की पत्ती जो रात को चमके। यही खुली कलवट है जो दो नौजवानों की जान ले ली। FIR भी कही रही, वहाँ से कुछ कार्रवाई करो था। फिर हमें अथी हमार जितना गांव धुड़ा कराए हमारे साथ दे था। और एखन सरकारी ऑफिस बटले या तोहर अपने बटले कोनो काम के आगे बढ़े के लिए कोनो स्टेबिशन ले है क्यों मदद कही रहे तोहरे की? कोई भी मदद नहीं कही रहे। सरकारी अधिकारी बन के वाई रहे? कोई भी नहीं आया है ना, उसको कोई सरकारी पक्ष से आ रहा है उनके घर में मिलने कोई आया ना, देख रेख के लिए आया ना ही सिंपैथी उन संवेदना के लिए भी आया, किसी के लिए भी नहीं आया। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। पीड़ित परिवार के साथ ग्रामवासी हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। कालचीनी पुलिस स्टेशन में FIR किया गया है। कालचीनी ब्लॉक ऑफिस में भी जानकारी दी गई है, साथ साथ पूरी स्थानीय प्रशासन को लिखित जानकारी भी दी गई है। अगर इसके बावजूद भी अगर यदि कोई स्टेप नहीं लिया सरकार के तरफ से या कुछ भी, तब दरकार पड़ेगा तो हम आदिवासी, पूरा बहुल क्षेत्र है आदिवासी, ट्राइबल ब्लॉक बोला जाता है, लेकिन ट्राइबल लोग का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। इसको लेकर एक बृहत्तम आंदोलन भी हो सकता है, आंदोलन रूपी उतर सकता है। पूरा जनता पूरा ललायत है, इसको लेकर बहुत दुखित है। हम लोग चाहते हैं कम से कम वे बड़े हस्ती आए घर तक आए देखे और इसका सही जस्टिस दे, न्याय दे। हमें के तो न्याय चाहिए, जे घटना होला और कोई के साथ भी नहीं हो चाहिए, इसलिए हमें तो न्याय चाहिए। समस्त दर्शकों से नम्र निवेदन है, पीड़ित परिवारों को उचित न्याय मिले इसके लिए अधिक से अधिक कॉल कर आवेदन करें। DM अलीपुर द्वार
श्रीमान देवी प्रसाद कार नाम, मोबाइल नंबर है 8170063474 नंबर में। मैं हरिहर नागबंसी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।